शॉपसी से ऑर्डर कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शॉपसी से किसी भी सामान को ऑर्डर कैसे करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को घर बैठे कैसे मंगाते हैं। तो दोस्तों, शॉपसी से ऑर्डर करने के लिए आपको सबसे पहले शॉपसी ऐप को ओपन कर लेना है, और अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एंड डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का होम पेज ओपन हो जाएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पे टॉप डील्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 99 रुपीज़ से लेकर के आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि 99 रुपीज़ में कितना सामान आपको यहां पे मिल सकता है। आप यहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको यहां पे ढेर सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं। बट दोस्तों, ये आप कोई भी सामान को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्च बार का। आपको सिंपली सर्च बार पर क्लिक कर देना है। एंड सर्च बार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी सामान को ऑर्डर करना है वो चीज़ आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। एंड सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे घड़ी सर्च किया है, मुझे घड़ी खरीदना है तो मैंने यहाँ पे घड़ी सर्च किया है। अब यहाँ पे जैसे इस घड़ी को खरीदना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे घड़ी का आपको यहाँ पे साइज दिखाई देगा। आप यहाँ पे इसका कलर चेक कर सकते हैं। यदि आपको ढेर सारे कलर चाहिए तो आपको यहाँ पे नीचे आपको अलग अलग कलर मिल जाते हैं। आप यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो कलर पसंद आता है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस घड़ी का प्राइस दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। एंड जैसे आप नीचे आएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डिलीवरी एड्रेस का। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप जो भी सामान को मंगाएंगे वो कितने दिन में आपके घर पे पहुँचेगा, किस दिन आपके घर पे वो सामान पहुँच जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी मिल जाता है कि यदि आप इस सामान को रिटर्न करना चाहते हैं, फिर से वापस करना चाहते हैं तो कितने दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कैश ऑन डिलीवरी यदि अवेलेबल रहेगा तो आपको मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब दोस्तों, यदि आपके घर पे सामान जाएगा तभी आप पैसा देंगे। अब दोस्तों, यदि आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, इस सामान को खरीदना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा एड टू कार्ट का। आप इस पर क्लिक करके आप इसको बाद में खरीद सकते हैं, आपके कार्ड में एड रहेगा। यदि आप तुरंत ही इस सामान को खरीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा बाय नाउ का। आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। एंड बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, अपना नाम पता जो भी यहाँ पे पूछा जाएगा आपको यहाँ पे डाल देना है। और यदि आपका पहले से कोई एड्रेस एड है तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपका एड्रेस दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे डिलीवरी हियर पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने वाले दोस्तों आपको यहाँ पे वेट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ढेर सारे पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पेमेंट पेटीएम से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, यदि आपके पास कोई वैलेट है तो वैलेट से कर सकते हैं। और यदि आप इसको कैश ऑन डिलीवरी मंगाना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको 50 रुपये आपको एडवांस देना पड़ेगा। यानी दोस्तों आपको जो सामान रहेगा उसमें से सबसे पहले आपको 50 रुपये पे करना पड़ेगा, और जो भी पैसा बचा रहेगा आप उसको घर पर सामान आने के बाद आप उसको कैश दे सकते हैं। तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे नाउ 50 रुपये पे क्लिक कर देता हूँ। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके गॉट इट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको किसी भी मेथड से यहाँ पे आपको 50 रुपये पेमेंट कर देना है। अब आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से शॉपसी ऐप को ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप शॉपसी से ऑर्डर कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।